मॉर्निंग एवरीवन, दिस आज की सुबह बहुत शानदार है और उठ गया हूँ मैं एंड अभी जल्दी जल्दी फटफट गुलमर्ग निकलना है। भाई आंखें सूज गई हैं, इतना ज़्यादा थका हुआ था ना मैं कल, बता नहीं सकता आपको। सीधे हिमाचल से श्रीनगर आया हूँ एक ही दिन में मैं। एंड व्हाट इज दिस गाइस, व्यू देखो ब्रो, व्यू देखो, वाओ। और देखो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो सब है। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड द बोट। यार मैंने रूम बहुत मैचअप कर दिया है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड क्या व्यू है गाइस, इतना शानदार, मतलब ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। इतना सही स्टे रहा है ना मेरा यहाँ पे, मज़ा आ गया गाइस। अब मैं फटफट ब्रेकफास्ट करता हूँ और रेडी होता हूँ और आपको फटफट निकलता हूँ यहाँ से और एक एक्सटीरियर का व्यू देता हूँ बहुत ही शानदार सा। भैया मुझे लेने आए हैं। एंड क्या नाम है भैया आपका? यूसुफ भाई लेने आए हैं। अब हम इस फूल वाली बागी में जाएंगे अच्छे से। आपको मैं पूरा वॉक अराउंड देता हूँ इसमें, आ जाओ आराम से सेंटर में। ओ भाई, ओ नीचे पैर। अभी मैं जो हूँ, मैं हूँ शिकारा में जो फूल से एकदम भरी हुई है। एंड मेरे पीछे है द वेरी फेमस, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में द ज्वेल ऑफ कश्मीर हाउस बोट। मतलब इतनी खूबसूरत हाउस बोट है ना ये, पीछे से आपको दिखाऊंगा। इंटीरियर का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ये एक्सटीरियर का वीडियो है। और यूसुफ भाई है मेरे साथ जो मुझे इसका दौरा करा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यूसुफ भाई हम लोग थोड़ा सा ऐसे गोल थोड़ा सा जा सकते हो? मतलब आप देखो, ये पूरी बोट का डिटेल अगर आप मैं दूँ ना, ये एक एक बोट 8-9 करोड़ के आसपास बनती है, राइट? और ये देवदार के पेड़ से बनती है, राइट? देवदार का एक सिंगल लॉक बहुत लंबा खींच, बहुत लंबा मिलना बहुत महंगा होता है और बहुत हज़ारों 100 साल से ऊपर लेता है वो बड़ा होने में। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसी बोट अब बनना। एंड दिस इज़ द, ये ऐसी बोट है जहाँ पे आपको US के एम्बेसडर से लेके हर कंट्री से लोग यहाँ पे आके रुके हैं। और मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे कस्टमर्स जो अलग अलग हाउस बोट में रहते हैं वो आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। एंड देखिए यूसुफ भाई कितने सारे फूल लेके घूमते हैं एकदम कश्मीर की वादियों में, डल लेक में। ये वाला रूम मेरा था जो जिसमें मैं रुका हुआ था, जहाँ पे ये LG का वो लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है AC का। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, मतलब इतना अमेजिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये सारे पूरे लग्जरी बोट्स हैं सारे, और इसके ऊपर भी देखो बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। एंड ऊपर वहाँ पे डबल डेकर बोट्स हैं दो, है ना, बटरफ्लाई। तो गाइस अब मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट, गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। एंड उसके बाद गुलमर्ग का जो व्यू होने वाला है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है। भी आप इधर आओ तो यूसुफ भाई से आप ये फूल वाली क्या कहते हैं शिकारा में घूम सकते हो, नाव में घूम सकते हो, है ना। बहुत अच्छे और बहुत प्यार से घुमाते हैं हर जगह ये। तो गाइस ये सुबह का व्यू है इस बैल्कनी से, जो हमारा ज्वेल ऑफ कश्मीर बैल्कनी है। एंड सी यहाँ पे आप शाम को आराम से ऐसे बैठ सकते हो, लेट सकते हो, मज़े कर सकते हो। एंड बहुत शानदार व्यू रहता है शाम को भी। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ और दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर का। ये बोट तो आपने रात में तो देखी ही थी और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया, यहाँ पे लग चुका है, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो बस ब्रेकफास्ट करके एंड निकलते हैं हम लोग फटाफट। तो ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ मैं आपको। ज्वेल ऑफ कश्मीर छोड़ने का टाइम हो गया है। मैंने रात में आपको एक चीज़ नहीं दिखाई थी, यहाँ पे साइड साइड में हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है अभी भी। बहुत अच्छा आप लोगों ने ट्रीट किया एंड इट वाज रियली नाइस टू स्टे हियर। यहाँ पे लोटस भी होते हैं, है ना? बट अभी है नहीं, लोटस सीजनल होते हैं, इसलिए लिली एंड लोटस दोनों होते हैं। इनायत भाई के साथ अभी हम निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए एंड पूरा डाकू, आज भी डाकू में हम लोग। और मैंने आज बहुत ही सही से ड्रेसअप हुआ हूँ भाई, और रील्स बहुत तगड़ी बनेंगी तो रील्स जरूर जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे, इट्स y.u.g। एंड इनायत भाई का भी देख लेना, मुझे ऑफिस से जबरदस्ती ले रहे हैं भाई, ऑफिस से जबरदस्ती उठाया मैंने भाई। ये पार्शियलिटी, मतलब हम आए तो हमारे साथ कहीं नहीं है ना, बाकी सब लोग आए तो बाकी उसके साथ पूरा दिन घूमेंगे मजे से। आज पर हमारी पार्टी है भाई के लिए।
बस हम चल रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं अभी फिलहाल, मेमोरी कार्ड लाने जा रहे हैं। मेमोरी कार्ड यार मेरा ये कैमरे की मेमोरी भर गई है, तो पहले मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर करेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है मेरे कैमरे के बिना। तो बस हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल गए इनायत भाई और मैं, एंड वहाँ जाने के बाद, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, हमारी 4x4 गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 2x2 गाड़ी, आपको चेन की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट चेन आपको परमिशन नहीं मिलेगी गुलमर्ग के ऊपर जाने की। तनमर्ग तक जा सकते हैं ना, वैसे ऊपर चेन वाली चाहिए होती है। और वैसे ही अगर आप वहाँ जा रहे हो क्या रंग, तो वहाँ भी यूनियन कैब आपको लगता है, हाँ वहाँ से भी करनी पड़ती है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं फटाफट, और मेमोरी कार्ड मुझे वहाँ पर मिला नहीं, अब जल्दी से मेमोरी कार्ड ढूंढेंगे एंड फटाफट गुलमर्ग पहुँचना है। हमारी वैन एक अटक गई है, पीछे अपनी घड़ी है थार, तो अब इनकी मदद करेंगे हम लोग सो दैट इनकी वैन निकल जाए। अभी थार से हम लोग रेडी, थार पे रेडी हम लोग, पीछे कर रहे हैं थोड़ा सा एक्चुअली, ताकि वो गाड़ियाँ निकल जाएं उधर से। ओ भाई ऊपर पेड़ से बर्फ़ गिर रही है, मुझे लगा ये पता नहीं इतनी ऊपर से कहाँ से बर्फ़ आ गई। मैं यार बर्फ़ में ना गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही थी, तो हम लोग सारी गाड़ियों को निकालने की हेल्प कर रहे थे अभी भी, पर कुछ कुछ लोग होते हैं ना गधे, जो ऐसे ही फंसा देते हैं गाड़ी गलत जगह। मशक्कत के बाद ब्रिज पहुँच गए और सामने ही हमारे वाटरफॉल है, उधर बहुत ही तगड़ा व्यू है भाई, और इतना मुश्किल है ना इधर आना अगर आपके पास 4x4। ओ वाह यार, यार ये सब फ्रोजन है, आप देखो कितना शानदार है, एवरीथिंग इज फ्रोजन एंड बर्फ में भागने का अपना ही एक मज़ा है, पैर ना फिसले तो। बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर यार, बट वो है द्रंग वाटरफॉल, जन्नत है बहुत। एंड सामने ही है योलो गाइस, आज सच में योलो वाली फीलिंग आ रही है, सारा वाटरफॉल है जम गया हुआ है। इट्स रियली कोल्ड, रियली कोल्ड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, वो रहा वहाँ से ब्रिज जिससे हम आए थे। यहाँ पे एडवेंचर ट्रक है हमारी थार, रेडी टू कम, एंड दिस इज अ बाय टू द्रंग, इट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। गोरखा आई है हमारे साथ गाइस, और गोरखा इज लुकिंग गुड। मैं जा रहा हूँ अपनी ऊपर थार है भाई, थार के बोनेट पे बैठ के जा रहा हूँ मैं, और हीटर लग रहा है अंदर से गरम गरम, बहुत अमेजिंग फीलिंग है गाइस, एंड इट वाज सच अमेजिंग प्लेस द्रंग, आई एम सो सो हैप्पी दैट मैं यहाँ पे आया। माय गॉड लुक एट द व्यू मैन, वो देखो क्या शानदार व्यू है बॉस, गुलमर्ग, गुलमर्ग यार जन्नत है, क्यों नाथ भाई? सही बात है, सही बात है। तो जन्नत के, जन्नत दिखाने वाले हमारे बगल में, ओ क्या हाल है सर, ये आप देखो इवनिंग होने लगी है, लाइट्स वाइट्स ऑन होने लगी है, ये देखो आप भाई, और